आफ्टरनून, नमस्कार। एग्रीकल्चर अड्डा 24/7 पर मैं मीनाक्षी राठी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो हमारी ये क्लास जो कि एंटोमोलॉजी की क्लास है, रिलेटेड टू योर एफसीआई एग्जाम। एफसीआई का एग्जाम की लास्ट डेट जो है आपकी पास आती जा रही है। फॉर्म फिल अभी तक नहीं किया है तो फटाफट से फॉर्म फिल करे। एंड गाइज, एंटोमोलॉजी आपका जो पोर्शन है वो दोनों ही एडवर्टीजमेंट में कवर होना चाहिए, यानी कि चाहे आपने एफसीआई मैनेजर कैटेगरी 2 का फॉर्म भरा हो, चाहे आपने एफसीआई AG3 टेक्निकल का फॉर्म भरा हो, दोनों में एंटोमोलॉजी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। दोनों किसी भी एडवर्टीजमेंट के अंडर आपने फॉर्म भरा है तो आप ये क्लासेस अटेंड कर सकते हैं, क्योंकि दोनों में एंटोमोलॉजी आने वाला है। जी, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून विशु एंड वेलकम टू द सेशन। तो चलिए, सेशन शुरू करने से पहले अड्डा की ऐप के बारे में बता देते हैं। इस ऐप में आपको करंट अफेयर्स, जॉब अलर्ट्स, पावर कैप्सूल्स, काफी कुछ मिलता है जो आपके एग्जाम प्रिपरेशन में बहुत हेल्पफुल रहेगा। सो गो इन द प्ले स्टोर, टाइप AAA247 एंड डाउनलोड द ऐप नाउ। अगर आप एग्रीकल्चर अड्डा 24/7 पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हमारी वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचे। और अब बात करते हैं आज की क्लास की। तो आप सभी को पता है हम इंसेक्ट यानी कि एंटोमोलॉजी की स्टडीज में जो पढ़ रहे हैं वो क्या पढ़ रहे हैं, इंसेक्ट क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं, राइट। सो फार पिछली बार हमने क्या पढ़ा था, ऑर्डर आइसोप्ट्रा के बारे में पढ़ा था। ऑर्डर आइसोप्ट्रा का एग्जाम्पल है आपका टर्माइट्स, यानी कि टर्माइट्स आइसोप्ट्रा ऑर्डर में आती हैं। आइसोप्ट्रा का जो लिटरेट मीनिंग होता है वो क्या होता है, आइसो मीन्स सेम, यानी कि फोर विंग्स और हिंड विंग्स दोनों ही सेम होते हैं, सेम शेप के होते हैं, सेम लेंथ के होते हैं। एग्जाम्पल इसका टर्माइट्स है। टर्माइट्स बिल्कुल हनी बी की तरह सोशल इंसेक्ट है जिसमें कास्टिज्म डिवाइड है। उसमें क्वीन होती है, किंग होता है जो रिप्रोड्यूस करते हैं, वर्कर्स होते हैं जो साफ सफाई का देखरेख का काम करते हैं, सोल्जर्स होते हैं जो उनकी कॉलोनी है उसको सेफ गार्ड करते हैं, उसकी प्रोटेक्शन करते हैं। क्वीन और किंग नॉर्मल सोल्जर्स और वर्कर्स से थोड़े बड़े होते हैं साइज में और डार्क कलर के होते हैं, जिनसे आप इनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये किंग या क्वीन है, राइट। तो इनके और भी डिफरेंट डिफरेंट फीचर्स थे जो हमने पीछे कवर किए थे। जी, मेरी क्लास जनरली 2:30 बजे होती है, 2:30 पर होती है, बट संदीप सर कहीं बिजी थे अभी तो 2 बजे मैंने क्लास ली है, 2:30 बजे संदीप सर आ रहे हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी ये क्लास। और आज हम किस ऑर्डर के बारे में पढ़ने वाले हैं, तो आज हम पढ़ेंगे आपके थाइसिनोप्ट्रा ऑर्डर के बारे में। थाइसिनोप्ट्रा ऑर्डर जो है आपके थ्रिप्स से रिलेटेड है, राइट। सो इस ऑर्डर में जो पहली फैमिली है वो थ्रिपिडी फैमिली है, राइट। सो थ्रिपिडी फैमिली का एग्जाम्पल थ्रिप्स है, इजी टू रिमेम्बर है, ज्यादा याद करने की जरूरत हमें नहीं है क्योंकि सब कुछ मिलता जुलता है ना। थाइसिनोप्ट्रा ऑर्डर में थ्रिपिडी फैमिली में थ्रिप्स एग्जाम्पल है। थ्रिप्स आप सभी लोगों ने अपने क्रॉप्स पर देखे होंगे और नहीं देखे होंगे तो यहाँ फोटोग्राफ में देख सकते हैं, राइट। तो ये जो थ्रिप्स के विंग्स हैं ये देखिए, ये बड़े ही अजीबोगरीब विंग्स हैं, है ना। ये थ्रिप्स के जो विंग्स हैं क्या है, बहुत ही नैरो विंग्स हो जाते हैं और जो उनकी मार्जिन है उन पर बड़े बड़े हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स जो है प्रेजेंट होते हैं। सो फेदर लाइक स्ट्रक्चर, जैसे फेदर्स होते हैं इस तरीके के फ्रिंज जो विंग्स इनमें दिखाई देते हैं, और यही इसका लिटरेट मीनिंग है। क्योंकि मैंने आपको शुरू में बताया था कि इंसेक्ट की जो क्लासिफिकेशन है वो कैसे की जा रही है, वो विंग्स के बेसिस पर की जा रही है, राइट। सो थाइसेनो का मतलब ही क्या होता है, थाइसेनो का मतलब होता है फ्रिंज्ड। फ्रिंज्ड, फ्रिंज्ड का क्या मतलब होता है, जिसमें बहुत सारी शाखाएं निकल रही हो, है ना। तो ये जो है बीच का विंग है, इसमें इस तरीके से बहुत सारे हेयर 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 निकल रहे हैं, इसको क्या कहते हैं, फ्रिंज्ड अपीयरेंस कहते हैं, है ना। इवन आपके जो ये हेयर होते हैं इसमें भी जैसे बहुत सारे डबल स्प्लिट एंड्स निकल रहे होते हैं तो इनको फ्रिंज्ड हेयर कहते हैं। तो यानी कि बहुत सारी शाखाएं निकालना, ब्रांचेस निकालना, इसको फ्रिंज कहते हैं। टेरोन्स का मतलब विंग्स होता है। तो इनमें कैसे विंग्स पाए जाते हैं, फ्रिंज्ड विंग्स पाए जाते हैं, मैम्ब्रेनस नहीं होते हैं,
ठीक है। सो ये जो है खास बात है थाइसिनोप्टेरा ऑर्डर की, थ्रिपिडी फैमिली की, जिसके एग्जाम्पल हैं थ्रिप्स, राइट। चलो नेक्स्ट, क्या क्या इस ऑर्डर के जो है फीचर्स हैं, तो इस ऑर्डर के फीचर्स या इस फैमिली के फीचर्स कह लीजिए, क्योंकि आगे हम थ्रिपिडी फैमिली पढ़ रहे हैं। तो थ्रिपिडी फैमिली के कौन से फीचर्स हैं? इनमें जो एंटीना होता है वो मोनिली फॉर्म होता है, विच इज सेगमेंटेड बाय 6 to 10 सेगमेंट्स, ठीक है। 6 to 10 सेगमेंट्स का ही होता है, ज्यादा लंबा चौड़ा एंटीना इनमें प्रेजेंट नहीं होता है। उसके बाद कंपाउंड आईज आर कॉन्स्पिशियस विद 3 ओसेलाई इन विंग्ड फॉर्म। विंग्ड फॉर्म यानी कि जो इंसेक्ट में विंग्स डेवलप हो चुके, जो एडल्ट बन चुके हैं, उनमें कंपाउंड आईज भी प्रेजेंट होती है, एंड ओसेलाई, ओसेलाई यानी कि सिंपल आईज भी प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। तो विंग्ड यानी कि एडल्ट जो कैटेगरी है उसमें सिंपल आईज भी प्रेजेंट है, साथ ही साथ कंपाउंड आईज भी प्रेजेंट है। माउथ पार्ट्स इसके एसिमेट्रिकल होते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है, सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है, फ्रिंज्ड विंग्स एंड एसिमेट्रिकल माउथ पार्ट। एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है आपके एसिमेट्रिकल माउथ पार्ट्स किस में प्रेजेंट होते हैं, तो आपने वहां सिंपल सा आंसर देना है, थ्रिप्स में प्रेजेंट होते हैं। लेकिन थ्रिप्स के माउथ पार्ट एसिमेट्रिकल क्यों होते हैं, ये आप मुझे एक बार बताएं, बताओ क्यों होते हैं इसके माउथ पार्ट एसिमेट्रिकल, या फिर मैं पूछूं कि एसिमेट्रिकल का मतलब ही क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय एसिमेट्रिकल, बताइए। क्या होगा जी? वेरी वेरी गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी, सुप्रीत, कमलकांत, मनोज, शुभम, राहुल, हाँ, इसीलिए इसको एसिमेट्रिकल माउथ पार्ट्स कहते हैं। सो एसिमेट्रिकल माउथ पार्ट्स का मतलब क्या है? देखो माउथ एसिमेट्री का मतलब क्या है कि देखो ये मेरी बॉडी है, अगर मैं इस बॉडी को इस प्लेन में काट देती हूँ तो ये दो सिमेट्रिकल हाफ में डिवाइड होती है, एक आंख इधर है, एक आंख इधर है ना, हाफ लिप्स इधर है, हाफ लिप्स इधर है, एक कान इधर है, एक कान इधर है, एक हाथ इधर है, एक हाथ इधर है, तो ये क्या है, ये सिमेट्रिकल बॉडी है जो एक दूसरे के सेम दिखती है, इसको क्या कहते हैं, सिमेट्री, है ना। एसिमेट्री का क्या मतलब है कि इसके माउथ पार्ट्स को दो इक्वल भागों में नहीं बांटा जा सकता। मान लीजिए अगर मेरा ये हाथ एब्सेंट है, टूट गया, कट गया, कुछ भी हो गया, है ना, अब अगर इस बॉडी को मैं हाफ भाग में बांट रही हूँ तो ये हाथ तो इधर प्रेजेंट नहीं है और ये हाथ इधर प्रेजेंट है, तो ये बॉडी सिमेट्रिकल बॉडी नहीं रहेगी, है ना, क्या हो जाएगी, एसिमेट्रिकल बॉडी हो जाएगी। तो उसी तरीके से जो आपके थ्रिप्स होते हैं, इनके राइट मैंडिबल्स, राइट मैंडिबल्स, ठीक है, राइट मैंडिबल्स क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं, क्योंकि राइट मैंडिबल्स एब्सेंट होते हैं और लेफ्ट मैंडिबल्स प्रेजेंट होते हैं, तो इसको एसिमेट्रिकल माउथ पार्ट्स कहा जाता है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, विंग्स व्हेन फुली डेवलप्ड आर लॉन्ग एंड नैरो एंड हाईली रिड्यूस्ड वेनेशन। इनके विंग्स में वेनेशंस देखने को नहीं मिलती हैं। द विंग्स आर फ्रिंज्ड विद लॉन्ग हेयर्स ऑन द मार्जिन। तो विंग्स कैसे प्रेजेंट है मैंने आपको वहां दिखाई दिया है, जैसे कि जनरली विंग्स कैसे प्रेजेंट होता है ऐसे, और उसमें यहाँ पर क्या होती है आपकी मार्जिन्स होते, सॉरी ये होती है वेनेशंस होती है ना, लेकिन क्योंकि इसका ये वाला पार्ट बहुत रिड्यूस्ड और नैरो है और इस पर हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है, तो यहाँ पर वेनेशंस हाईली रिड्यूस्ड या कंप्लीटली एब्सेंट होती हैं। तो इसमें वेनेशन प्रेजेंट नहीं होती, फ्रिंज्ड विंग्स होते हैं, एसिमेट्रिकल माउथ पार्ट्स होते हैं, राइट। चलिए, सरसाई भी प्रेजेंट नहीं होती इसमें, एनल सरसाई इज नॉट प्रेजेंट इन थ्रिप्स। मेटामॉर्फोसिस इज अकम्पनीड बाय वन और टू इनएक्टिव प्यूपल इन स्टार्स, इंटरमीडिएटरी बिटवीन सिंपल एंड कॉम्प्लीट। ना तो इसमें बहुत ज्यादा सिंपल मेटामॉर्फोसिस है ना बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, उनके बीच में कहीं लाई करता है।
ठीक है। तो मेटामॉर्फोसिस मैं आपको कई बार बता चुकी हूँ, इमेच्योर स्टेज से मेच्योर स्टेज में बदले जाने को मेटामॉर्फोसिस कहते हैं, जिसमें उसकी बॉडी में काफी सारे चेंजेस आते हैं। कम चेंजेस आते हैं तो सिंपल कहते हैं, ज्यादा आते हैं तो कंप्लीट या कॉम्प्लेक्स कहते हैं। ये ना कंप्लीट में फॉल करते हैं और ना सिंपल में फॉल करते हैं, इन दोनों के मीडियम में, बीच में ही इनका मेटामॉर्फोसिस का लेवल रहता है। ठीक है। पार्थेनोजेनेटिक टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इज वेरी कॉमन इन मेनी स्पीशीज एंड मेल्स आर रेयरली सीन। तो इसमें जो है पार्थेनोजेनेटिक रिप्रोडक्शन होता है। पार्थेनोजेनेटिक रिप्रोडक्शन मीन्स नॉन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, फर्टिलाइजेशन। तो इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं पार्थेनोजेनेसिस। तो इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को ये ओवर पास कर देते हैं, तो इसलिए इनको जरूरी नहीं है कि भाई मेल मिलेगा तभी मेटिंग होगी तभी बच्चे पैदा करेंगे। तो दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ दैट, क्योंकि इनमें पार्थेनोजेनेटिक टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन प्रेजेंट होता है। एफिड्स, एफिड्स में भी पार्थेनोजेनेटिक रिप्रोडक्शन प्रेजेंट होता है और थ्रिप्स में भी पार्थेनोजेनेटिक रिप्रोडक्शन प्रेजेंट होता है। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को ओवर पास करते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है? जिसमें मेल और फीमेल का मेटिंग होना और उनके फीमेल और मेल के जो एग्स और स्पर्म है उनका फ्यूज होना जरूरी होता है फॉर जाइगोट फॉर्मेशन। लेकिन इसमें ऐसा कुछ भी जरूरी नहीं होता, एक ही पेरेंट बच्चे को जन्म दे सकता है। राइट। सो दिस इज पार्थेनोजेनेटिक टाइप। टेन्यूल कम्स विद हेमिप्टेरा, हेमिप्टेरा। ठीक है। हेमी का मतलब क्या होता है? हाफ। टेरॉन्स का मतलब क्या है? विंग। सो हेमिप्टेरा ऑर्डर में हाफ विंग्स होते हैं। हाफ विंग्स का क्या मतलब है? आधे विंग्स प्रेजेंट होंगे, क्योंकि आधे विंग्स इसलिए कहा जाता है कि इसके आधे विंग अलग तरीके के दिखते हैं और आधे अलग तरीके के दिखते हैं। तो इसको क्या कहते हैं? हेमिप्टेरा ऑर्डर में डालते हैं। हेमिप्टेरा ऑर्डर में आपके बग्स आते हैं। ठीक है। कोई भी बग है ना, प्लांट बग है, ब्लैक बग है, वट एवर द बग इज, वो आपके कौन से ऑर्डर में फॉल करते हैं? हेमिप्टेरा ऑर्डर में फॉल करते हैं। तो ये बात ध्यान रखनी है। ठीक है। सब ऑर्डर क्या है इसका? हेटरोप्टेरा है, यानी कि ये जो है ट्रू बग्स कहलाते हैं। सम आर ट्रू बग्स, सम आर नॉट ट्रू बग्स, राइट। सो ये सब ऑर्डर कौन सा है इनका? हेटरोप्टेरा है। ठीक है। तो आपने इतना याद नहीं रखना है, आपने सिर्फ हेमिप्टेरा याद रखना है। हेमिप्टेरा ऑर्डर में बग्स आते हैं। ठीक है। स्मॉल टू लार्ज, ये जो आपके ये बता रही हूं मैं कैरेक्टरिस्टिक्स, दीज आर जस्ट टू रिमेम्बर कि किस ऑर्डर में कैसी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, किन कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पर हम ये क्लासिफिकेशन कर रहे हैं। एग्जाम में आपसे कोई नहीं पूछेगा हेमिप्टेरा ऑर्डर की क्लासिफिकेशन किस बेसिस पर की जा रही है या फिर उसमें क्या क्या फीचर्स होते हैं। इस तरीके के क्वेश्चंस एफसीआई के एग्जाम में नहीं आएंगे। जो प्योरली एग्रीकल्चर के बच्चे हैं उनके एग्जाम में तो आ सकते हैं, आपके में नहीं आएंगे। आपके लिए जो चीज इंपॉर्टेंट है वो मैं साथ साथ बताती जा रही हूँ, लेकिन आपने इस क्लासिफिकेशन में से जो याद रखने वाली चीजें हैं वो क्या है कि भैया बग्स हेमिप्टेरा ऑर्डर से बिलोंग करते हैं, थ्रिप्स थाइसिनोप्टेरा ऑर्डर से बिलोंग करते हैं, है ना, बटरफ्लाइज लैपिडोप्टेरा से बिलोंग करती है। ऐसे मेजर मेजर जो एग्जाम्पल हैं किसी भी ऑर्डर के, ये आपको पता होने चाहिए, ये एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है। चलिए, माउथ पार्ट्स इसमें पियर्सिंग एंड सकिंग टाइप होते हैं। पियर्सिंग एंड सकिंग टाइप कैसे होते हैं ये माउथ पार्ट्स? पियर्सिंग एंड सकिंग टाइप बिल्कुल वैसे होते हैं जैसे आप फ्रूटी पीते हैं। ठीक है। ये अगर स्टेम है या प्लांट सेल है तो ये क्या करेंगे, इनके पास एक बीक लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसको क्या करेंगे? पियर्स करेंगे, छेद करेंगे, फिर उसे सक करके सेल सैप को लेंगे और इसको क्या कहते हैं? पियर्सिंग एंड सकिंग टाइप टाइप ऑफ माउथ पार्ट्स कहते हैं। तो फ्रूटी जब मैं कह रही हूँ तो वो 10 रुपए वाली फ्रूटी की बात हो रही है जो टेट्रा पैक में आती है, ना कि प्लास्टिक की बॉटल की। तो आपने क्या करना है? पियर्स करना है और सक करना है। तो पियर्सिंग एंड सकिंग टाइप माउथ पार्ट्स जो है आपके थ्रिप्स में प्रेजेंट होते हैं, एफिड्स में भी प्रेजेंट होते हैं, राइट। दे आर ऑल्सो सकिंग पेस्ट, राइट। सो
स्मॉल टू लार्ज मोस्टली टेरेस्ट्रियल, सम आर एक्वेटिक. ये जो हेमिप्ट्रा ऑर्डर में जो भी आपके बग्स आते हैं, बग्स में ज्यादातर टेरेस्ट्रियल ओरिजिन के होते हैं, यानी कि जमीन पर रहते हैं. कहाँ पर रहते हैं? जमीन पर रहते हैं. लेकिन एक दो बग ऐसे देखे गए हैं जो कि एक्वेटिक इन नेचर होते हैं, यानी कि पानी में भी बग्स होते हैं, वाटर बग्स भी प्रेजेंट होते हैं. राइट, विंग्स एंड विंगलेट. बग्स आपके दोनों टाइप के होते हैं, विंग्स प्रेजेंट भी हो सकते हैं और ये विंगलेस भी हो सकते हैं. तो आप कहोगे मैम आपने तो यहाँ पर कहा था हैमी का मतलब होता है हाफ, तो इसमें हाफ विंग से रिलेटेड कुछ चीज प्रेजेंट थी. देखिए मैंने आपको जब शुरू में क्लासिफिकेशन करवाया था तो मैंने आपको बताया था कि कुछ ट्रू विंगलेस इंसेक्ट होते हैं, कुछ सेकेंडरीली विंगलेस इंसेक्ट होते हैं. ट्रू विंगलेस यानी कि जन्मजात से ही उनके विंग्स प्रेजेंट नहीं होते हैं, और सेकेंडरीली विंगलेस क्या है, जिनके फोर फादर्स के पास विंग्स प्रेजेंट थे, इनके पास विंग्स प्रेजेंट नहीं है, तो इनको क्या कहते हैं? सेकेंडरीली विंगलेस कहते हैं. तो यहां पर अगर विंगलेस की बात हो रही है तो सेकेंडरीली विंगलेस इंसेक्ट्स की हो रही है. राइट, द फोर विंग्स आर बेसिक बेसली थिकेंड एंड मैम्ब्रेनस, अपिकली आर नोन एज हेमी इलाइट्रा. देखो इनके विंग्स कैसे प्रेजेंट होते हैं, दिस आर द विंग्स. ये पूरा आपका एक विंग है, ये विंग जो है हाफ भाग में इस तरीके से बटा हुआ होता है. तो हाफ भाग तो क्या होता है, हार्ड हो जाता है बिल्कुल, और हाफ मैम्ब्रेनस रहता है. ये मैम्ब्रेन टाइप रहेगा, ये हार्ड हो जाएगा. ठीक है, ये हार्ड पार्ट है, ये मैम्ब्रेनस पार्ट है. तो इसका एक ही विंग दो भागों में डिवाइड हो जाता है, हाफ हार्ड हो जाता है, हाफ मैम्ब्रेनस रहता है. तो इसीलिए यहाँ पर हाफ रखा गया है, हेमिप्ट्रा ऑर्डर. और इस विंग के टाइप को क्या कहते हैं? हैमी इलाइट्रा कहते हैं. कहते हैं हैमी इलाइट्रा. इलाइट्रा विंग्स कैसे होते हैं? इलाइट्रा विंग्स होते हैं आपके पूरा हार्ड हो जाता है. अगर ये विंग पूरा हार्ड हो जाए, है ना, तो मैम्ब्रेनस ना रहे, पूरा हार्ड विंग प्रेजेंट हो, बिल्कुल क्रस्ट जैसा, कैसा, पानी पूरी जैसा, है ना, फूला हुआ ऐसा ही और बिल्कुल क्रस्ट बना हुआ, तो वो क्या होता है आपका? इलाइट्रा विंग्स होता है. लेकिन अगर हाफ मैम्ब्रेनस है और हाफ हार्ड हुआ है तो उसको हैमी इलाइट्रा बोलते हैं. इलाइट्रा टाइप ऑफ जो विंग्स हैं वो किस में प्रेजेंट होते हैं? बिटल्स में प्रेजेंट होते हैं. और हैमी इलाइट्रा किस में प्रेजेंट होते हैं? बग्स में प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, तो इनको हैमी इलाइट्रा कहते हैं. हैमी क्यों कहते हैं? क्योंकि आधा हार्ड हो जाता है और आधा मेम्ब्रेनस रहता है, इसीलिए इसके जो विंग्स हैं वो क्या है? हाफ विंग्स टाइप्स हैं. ठीक है, चलिए. सेंट ग्लैंड्स और स्टिंक ग्लैंड्स आर प्रेजेंट विच ओपन नियर द हिंड कोक्से ऑन द साइड्स बाय वेंट्रल पोर्स एंड गिविंग आउट अनप्लेजेंट ऑर्डर्स. तो इनमें ना कुछ स्टिंग ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं. इन स्टिंग ग्लैंड से कुछ सिक्रीशंस निकलते हैं जिनसे काफी बेकार बदबू या बैड ऑर्डर आती है. तो बेकार बदबू या बैड ऑर्डर आपके लिए तो कोई फायदेमंद नहीं है, लेकिन ये इंसेक्ट के लिए बहुत फायदेमंद है. क्यों फायदेमंद है? अगर मान लो अब आप ही अपना ही एग्जाम्पल ले लो, अगर नहाते धोते नहीं हो सर्दियों में 10-10 दिन तक, लड़के तो ऐसे होते हैं स्पेशली जो हॉस्टल्स में रहते हैं, घर तो मम्मी पकड़ के नहला देती है ना, 10-10 दिन तक नहीं नहाओगे या फिर रूम साफ नहीं रखोगे या कपड़े नहीं धोओगे, अल्टीमेटली यू आर गोइंग टू स्मेल बैड, राइट, और आपके आसपास कोई नहीं आने वाला है. तो ये काम ये करते हैं भाई, स्टिंग ग्लैंड्स इनके पास प्रेजेंट होते हैं जिनसे पार्टिकुलर सिक्रीशंस निकलते हैं जिनसे बैड ऑर्डर आती है. क्योंकि इनसे बैड ऑर्डर आती है, बदबू आती है, तो कोई और इंसेक्ट इनके आसपास नहीं फटकता है. तो ये क्या करते हैं, ये इनके जो नेचुरल एनिमीज हैं उनसे बचाने में हेल्प करते हैं ना. एनिमीज को भी उसको कैच करने के लिए पास आना पड़ेगा, पास आता है तो बदबू आती है तो एनिमी भाग जाता है. तो इट इज यूज एज अ प्रोटेक्शन बाय द इंसेक्ट. इंसेक्ट अपने प्रोटेक्शन के लिए ऐसा करता है. एनल सरसाई इज एबसेंट. एनल सरसाई इसमें भी एबसेंट होती है, थाइसिनोप्टेरा में भी एबसेंट होती है. मेटामोर्फोसिस इसमें सिंपल है, यानी कि इसके जो यंग वंस हैं वो आपके एडल्ट से मिलते जुलते ही, ज्यादा चेंजेस नहीं आते हैं, यानी कि सिंपल मेटामोर्फोसिस प्रेजेंट होता है. दीज आर द कहानीज ऑफ होम. दीज आर द कहानीज ऑफ हेमी
टेट्रा ऑर्डर, हैमिप का मतलब है हाफ विंग्स, हाफ मेम्ब्रेनस होते हैं और हाफ हार्ड हो जाते हैं। हैमिप्ट्रा ऑर्डर में बग्स आते हैं, बस यही दो चीजें याद रखने की। हैमिप्ट्रा ऑर्डर में हेमीलाइट्रा टाइप ऑफ विंग्स प्रेजेंट है और इसमें बग्स आते हैं, राइट। चलिए नेक्स्ट जी। हेलो हीना एंड वेल, नॉट हीना सॉरी रीना, हीना मैम की याद आ गई है मुझे क्लास में, एंड वेलकम टू द सेशन। सो इसके अंडर जो आपकी तीसरी फैमिली आती है, दूसरी फैमिली आती है, वी आर स्टडिंग हेमिप्ट्रा ऑर्डर, वो कौन सी आती है? पेंटाटॉमिडी फैमिली। कौन सी फैमिली आती है? पेंटाटॉमिडी फैमिली, ठीक है। तो इसमें आपके स्टिंग बग्स आते हैं, जिनकी मैं अभी बात कर रही थी कि इनमें कुछ ऐसे बग्स प्रेजेंट होते हैं जिनमें जो है बैड ऑर्डर आती है। तो स्टिंग बग्स किस में प्रेजेंट होते हैं? पेंटाटॉमिडी फैमिली में प्रेजेंट होते हैं। हेमिप्ट्रा ऑर्डर के अंडर ये दूसरी फैमिली है। अभी तक हम जो फीचर्स पढ़ रहे थे वो हेमिप्ट्रा ऑर्डर के फीचर्स थे, अब इस ऑर्डर के अंदर डिफरेंट डिफरेंट फैमिलीज भी प्रेजेंट है, है ना। सो द फैमिली इज हियर, इसमें जो है प्रोनोटम ब्रॉड होता है और शील्ड शेप का होता है, सेक्यूटेलम लार्ज और ट्रायंगुलर होता है। एंड प्रोनोटम क्या है? थोरैक्स के ऊपर एक एक्स्ट्रा लेयर प्रेजेंट होती है जो इसको क्या करती है? कवर करती है। सो गाइज, आज जो है ना आपकी क्लास एंटोमोलॉजी की ही यहाँ पर कंटिन्यू होगी, ठीक है। जो मेरी क्लास है वो नेक्स्ट क्लास में होगा, आज नहीं हो पाएगी, ठीक है। तो आप प्लीज इसी क्लास में बने रहिए और एंटोमोलॉजी अच्छे से। चलो चलो भाई, तो अब हमने गुजारना है एक घंटा एक दूसरे के साथ। डोंट वरी, इतना नहीं पकाऊंगी यार, बस हम हेमिप्ट्रा कंप्लीट करेंगे, क्योंकि एक दिन में अगर ज्यादा ऑर्डर्स कंप्लीट करते हैं तो फिर कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती है, उसमें क्या बताया था उसमें क्या बताया था। तो आज हम हेमिप्ट्रा ऑर्डर को ही इसमें कंप्लीट करेंगे। थाइसिनोप्ट्रा ऑर्डर बहुत सिंपल सा ही था, उसमें थ्रिपिडी फैमिली हमने पढ़ी है बस, है ना। हेमिप्ट्रा में हमें दो तीन फैमिलीज पढ़नी है जो इंपॉर्टेंट है, तो आज यही जो फैमिली है ये हम कवर करेंगे, ठीक है। चलो, सो सेकेंड पॉइंट इज हेमीलाइट्रा और इलाइट्रोन और कॉरियम लार्ज एक्सटेंडिंग टू द एनल मार्जिन। अच्छा, उससे पहले मैं आपको प्रोनोटम बता रही थी। प्रोनोटम क्या होता है? देखो, मैंने आपको बताया था इंसेक्ट का हेड होता है, है ना। दिस इज योर इंसेक्ट का हेड, दिस इज इंसेक्ट का थोरैक्स एंड दिस इज इंसेक्ट का एब्डोमिन, है ना। तो ये जो थोरैक्स होता है इसके ऊपर एक एक्स्ट्रा लेयर होती है जो इसको प्रोटेक्ट करती है, इसको प्रोनोटम कहते हैं। तो थोरैक्स, प्रोनोटम कहाँ प्रेजेंट होती है? थोरैक्स पर प्रेजेंट होती है, आपने बस इतना याद रखना है, ठीक है। अच्छा, ये भी कंफ्यूज मत कीजिएगा कि प्रोनोटम अलग है और प्रोपोडियम अलग है, ठीक है। प्रोनोटम अलग है और प्रोपोडियम अलग है। द नेक्स्ट टर्म इज प्रोपोडियम, ठीक है। प्रोनोटम तो क्या है? थोरैक्स के ऊपर लेयर है जो उसे प्रोटेक्ट करती है। प्रोपोडियम क्या है? देखो, जैसे आपका आर्म्स होती है ना, तो इसमें क्या होता है, ये जो थोरैक्स है ये नीचे आके बिल्कुल नैरो हो जाती है और यहां से एब्डोमेन निकलता है ना, इस तरीके से एब्डोमेन में सेगमेंट्स होती है। तो ये जो पॉइंट है जहां पर ये एकदम नैरो हो जाती है, थोरैक्स की लास्ट सेगमेंट और एब्डोमेन की फर्स्ट सेगमेंट मिलकर, ये जो पॉइंट होता है इसको क्या कहते हैं? प्रोपोडियम कहते हैं, प्रोपोडियम। तो प्रोनोटम अलग है, प्रोपोडियम अलग है, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। प्रोपोडियम प्रोटेक्शन के लिए थोरैक्स के ऊपर प्रेजेंट होती है, और प्रोनोटम सॉरी प्रोटेक्शन के लिए होती है। प्रोपोडियम बिल्कुल नैरो जो हो जाती है उस स्ट्रक्चर को प्रोपोडियम कहा जाता है। थैंक यू सो मच कमलकांत। देखो, कमलकांत ने सेशन लाइक कर दिया है और तुम लोग यहाँ पर ऐसे ही बैठे हो। चलो फटाफट से लाइक करो सेशन को, तो कि भाई मैम को भी तो एनर्जाइज फील होना चाहिए कि हाँ भाई बच्चों को अच्छा लग रहा है तो अगली बार ये पढ़ाएंगे, ऐसे पढ़ाएंगे, वैसे पढ़ाएंगे। अब बच्चे यूं करके बैठे रहेंगे तो मैम को लगेगा कि इन बच्चों को तो ऐसे ही पढ़ा लेते हैं, कुछ भी नहीं कहते हैं, है ना। तो अपना पार्टिसिपेशन हमेशा दीजिए ताकि टीचर आपके लिए मेहनत करने को राजी रहे। चलो
फोर पेयर ऑफ ऑडिफेरस ग्लैंड्स आर प्रेजेंट एंड डोर्सम ऑफ द एब्डोमेन ऑफ द निम्फ। इतना कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है वैसे तो, ये सिर्फ फीचर्स हैं। फीचर्स आपको सिर्फ याद करवाने के लिए है कि इसमें कौन से इंसेक्ट आते हैं, क्या उनके फीचर्स थे। ये सिर्फ कहानियों की तरह आपको यहाँ सुनने हैं क्लास में और भूल जाने हैं, ठीक है। क्लासिफिकेशन में जो चीजें याद रखनी है वो सिर्फ एग्जाम्पल्स याद रखने हैं, जो मैंने आपको बताया है कि भैया किस फैमिली या किस ऑर्डर से कौन से एग्जाम्पल्स बिलोंग करते हैं। इसके अलावा कुछ याद करने की जरूरत नहीं है। कोई स्पेसिफिक इंपॉर्टेंट पॉइंट होते तो मैं आपको साथ साथ बता ही देती हूँ, ठीक है। चलो, द एग्स आर यूजली बैरल शेप्ड विद द स्पाइंस ऑन द अपर एंड। देखो अब ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जनरली हम एग्स जैसे ही बोलते हैं तो हमारे माइंड में मुर्गी के अंडे आते हैं जो ओवल शेप के होते हैं, लेकिन इसके जो अंडे हैं वो बैरल शेप के हैं सबसे पहले, है ना। और क्या है, उनके अपर एंड पर स्पाइंस प्रेजेंट हैं, कांटे प्रेजेंट हैं। अच्छा, ये अब स्पाइंस भी इसको बहुत बेनिफिट करते हैं। किस में बेनिफिट करते हैं? अगेन प्रोटेक्शन में बेनिफिट करते हैं। अब बैरल शेप्ड जो एग्स हैं कुछ इस तरीके से होंगे, है ना, इसके ऊपर अगर स्पाइंस प्रेजेंट है तो कोई भी इन अंडों को छू नहीं पाएगा, क्योंकि इसके ऊपर स्पाइंस प्रेजेंट है, कांटे प्रेजेंट है, चुप जाएंगे। तो अंडों को बचाने के लिए, ताकि वो हैच हो सके, उससे इंडिविजुअल बाहर निकल सके, इसके लिए ये फीचर प्रेजेंट होता है कि इसके अंडों पर स्पाइंस प्रेजेंट होते हैं, है ना। तो ये इंपॉर्टेंट और अलग फीचर है, इसको आप थोड़ा सा ध्यान में रख सकते हैं। एग्जाम्पल क्या है, हमारे पेंटा टॉमिडी फैमिली के ग्रीन बग या फिर स्टिंग बग जिसे कहते हैं, है ना, निजारा विरिडुला, है ना, निजारा विरिडुला। तो जहां पर ग्रीनरी होती है ना, हम जब घूमने जाते हैं, पहाड़ों में जाते हैं या नदी के किनारे जाते हैं, तो हम क्या देखकर खुश होते हैं? ग्रीनरी देखकर खुश होते हैं। तो ये जो ग्रीन बग है, क्या देखकर खुश होते हैं? ग्रीनरी देखकर खुश होते हैं, लेकिन नजारे देखकर खुश होते हैं। तो इसका जो साइंटिफिक नेम है वो क्या है? निजारा विरिडुला। क्या नाम है? निजारा विरिडुला। रेड पंपकिन बग आपका जो है, ये एस्पोनगोपस जेनिस के नाम से जाना जाता है। कैबेज पेंटेड बग है, ये बगराडा क्रूसीफेरम के नाम से जाना जाता है, ठीक है। सो दीज आर योर डिफरेंट बग्स। ये जो बग्स होते हैं ये अक्सर ब्राइट कलर्स के होते हैं। देखो, जैसे ये ब्लैक कलर का बग है और इस पर जो है आपकी येलो कलर के क्या लगे हुए हैं, ये लगे हुए हैं स्पॉट से लगे हुए, है ना। सो दिस इज योर कैबेज पेंटेड बग। ये क्या है? आपका कैबेज पेंटेड बग है। वही रेड पंपकिन बीटल पर रेड कलर की है और उस पर ब्लैक कलर के निशान बने हुए हैं। तो ये जो पेंटा टॉमिडी में बग्स आते हैं ये ब्राइट कलर्स के होते हैं, है ना। सो दीज आर द एग्जांपल्स। देन यू हैव फैमिली मिरिडी फैमिली। क्या? मिरिडी फैमिली। मिरिडी फैमिली में मिरिड बग्स आते हैं। बहुत सिंपल है, याद रखना, मिरिडी फैमिली है, मिरिडी बग्स आते हैं, ठीक है। लेकिन अगर एग्जामिनर ने मिरिडी की जगह कैप्सिडी दे दिया तो क्या करेंगे? कैप्सिडी, ठीक है। तो कैप्सिडी भी याद रखना है। तो मिरिडी फैमिली में मिरिड बग्स आते हैं और इसी को कैप्सिडी फैमिली भी कहा जाता है ना। तो मिरिड्स जो है कैप पहनकर निकलते हैं, ये याद रख लेना है। तो ये कैप्सिडी फैमिली से बिलोंग करते हैं। मीडियम और स्मॉल साइज के ही होते हैं, ज्यादा लंबे चौड़े इंसेक्ट नहीं होते। ऑसिलाई एब्सेंट होती है, यानी कि इनमें सिंपल आईज प्रेजेंट नहीं होती, ओनली कंपाउंड आईज प्रेजेंट होती है, नो सिंपल आईज। कुछ इंसेक्ट होते हैं जिनमें दोनों प्रेजेंट होते हैं, कंपाउंड भी प्रेजेंट होती है और सिंपल भी प्रेजेंट होती है, राइट। रोस्ट्रम इसमें चार सेगमेंट का प्रेजेंट होता है। रोस्ट्रम क्या है अगर आपको याद नहीं हो, वैसे तो मैं कई बार बोल चुकी हूँ, बीक लाइक स्ट्रक्चर जो पियर्सिंग के काम आता है, आगे से चोंच जैसा हार्ड स्ट्रक्चर होता है, बीक लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसको क्या कहते हैं? रोस्ट्रम कहते हैं। मेजॉरिटी लाइव ऑन द प्लांट जूसेस, सम प्रे ऑन स्मॉल आर्थ्रोपोड्स, ठीक है। तो मेजॉरिटी तो जो है प्लांट जूसेस खाते हैं, पीते हैं, है ना, प्लांट के जो जूस होते हैं, सेल सैप होता है, उसको सक करते हैं। लेकिन कुछ ऐसे हैं जो दूसरे आर्थ्रोपोड्स पर प्रे करते हैं। प्रे का मतलब क्या है? उन्हें कैच करके खाते हैं, ठीक है।
तो जिनको ये कैच करके खाते हैं यानी कि कार्निवोरस है, लेकिन जो प्लांट जूसेस पर फीड करते हैं यानी कि वो हर्बीवोरस है, वो सिर्फ प्लांट एक्सट्रैक्टेड चीजें ही खा रहे हैं। एग्जाम्पल है आपका टी मस्किटो बग, विच इज हेलोपेल्टिस एंटोनी। ठीक है, तो एंटोनी घर आएगा तो आप क्या कहोगे? पहले कहोगे हेलो, फिर कहोगे चाय लोगे क्या, है ना? तो जो ये टी मस्किटो बग है, टी मस्किटो बग चाय वाला बग है ना, तो इसका नाम क्या है? हेलोपेटस एंटनी है। ठीक है, प्रिडेटर ऑन राइस ब्राउन होपर, ये जो है ये राइस ब्राउन होपर पर प्रिडेटर है। कायरो सॉरी कायटो राइनोज, ठीक है, क्रिटो क्रिटो कह सकते हैं, क्रिटो राइनोज सीम्स गुड, राइट? सो क्रिटो राइनोज जो है ये प्रिडेटर है राइस ब्राउन प्लांट होपर पर। राइस ब्राउन प्लांट होपर आपका क्रॉप का पेस्ट है, राइस पर आता है और काफी सारा नुकसान करता है। तो इसके बायो कंट्रोल के लिए हम इसको यूज कर सकते हैं। किसको यूज कर सकते हैं? क्रिटो राइनोज का यूज कर सकते हैं। ठीक है, कल ही तो करवाए थे बच्चा मैंने, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रिलेटेड टू एंटोमोलॉजी कल ही एक सेशन में करवाए थे मैंने, एक बार सर्च कीजिएगा आपको मिल जाएंगे एंटोमोलॉजी से रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कल ही करवाए थे। ठीक है, चलो, सो दिस इज योर मेरिडी बग, ये आपके मेरिडी बग है। ये जो पिछले बग उनसे थोड़े से लंबे होते हैं ना, शेप में थोड़े लंबे और पतले होते हैं और इतने ब्राइट इन कलर्स नहीं होते जितने पैंटा टॉमिडी फैमिली के बग्स होते हैं, वो ज्यादा ब्राइट इन कलर्स होते हैं। ठीक है, टेन यू हैव फैमिली पायरोकोरिडी फैमिली, पायरोकोरिडी फैमिली, दिस फैमिली, इसमें आपके रेड कॉटन बग आते हैं। ये बग आप सभी लोगों ने देखा होगा, रेड कॉटन बग है ना, तो ये कॉटन में लास्ट सीजन में आता है, जब पकने को होती है ना क्रॉप्स, जब देखने को मिलता है ये रेड कॉटन बग। और अगर आप थोड़ा बहुत भी फील्ड से बिलोंग करते हैं, आपके खेत हैं, कभी खेतों में गए हैं कॉटन के, तो ये बग आपने जरूर देखा होगा, राइट? सो इसमें भी ऑसिलाई भी एबसेंट है और आपका जो है पीछे भी जो फैमिली हम पढ़ रहे थे उसमें भी ऑसिलाई एबसेंट थी। द एग्जिबिट रेड कलर एंड ब्लैक कलरेशन, मोर ब्रांच्ड वेन्स एंड सील्स प्रेजेंट इन द हेमी इलाइट्रा। हेमी इलाइट्रा में ज्यादा ब्रांचेस प्रेजेंट है, जो विंग्स है, जो मैम्ब्रेनस है, मैंने बोला था ना हाफ हार्ड हो जाता है और हाफ मैम्ब्रेनस रहता है, जो हाफ मैम्ब्रेनस है उसमें वेन्स ज्यादा दिखाई देती हैं। कोक्सा इज रोटेटरी विद टार्सी थ्री सेगमेंटेड, अब ये क्या बोल दिया मैम ने, है ना? तो ये आपके लेग्स के पार्ट है, जब हम मॉर्फोलॉजी पढ़ेंगे जब समझ आ जाएगा। ठीक है, तो ये लेग्स के पार्ट हैं, कोक्सा यानी कि जो ऊपर वाला सबसे फर्स्ट सेगमेंट होता है लेग का उसे कोक्सा कहते हैं। कोक्सा इसमें रोटेटरी टाइप है, मतलब पूरा घुमा सकता है, राइट? इसका एग्जाम्पल है डाइडर्कस क्लीन सिंग्यूटैलिस, ठीक है, डाइडर्कस सिंग्यूटैलिस विच इज रेड कॉटन बग, राइट? चलिए, देन यू हैव नेक्स्ट फैमिली, द नेक्स्ट फैमिली इज कॉरिडी लीफ फुटेड बग। ठीक है, सो कॉरिडी फैमिली, तो इसमें आपके लीफ फुटेड बग्स आते हैं। ठीक है, तो लीफ फुटेड बग्स देखो, ये जैसे आपका ये वाला जो फुट है, स्पेशली द हिंड विंग, ये ऐसा नहीं लग रहा जैसे किसी ने लीफ खा के बस फेंक दी हो, है ना? सो दिस इज योर लीफ बग, लीफ फुटेड बग। तो इनके जो लेग्स होते हैं ये कैसे होते हैं? लीफ जैसे होते हैं। सो दीज आर लीफ फुटेड बग्स, जिनका नाम, फैमिली का नाम क्या है? कॉरिडी फैमिली। ठीक है, कॉरिडी फैमिली इसका नाम है। मीडियम टू लार्ज और नैरो बग्स इसके होते हैं, यानी कि इसके बग्स जो है साइज में थोड़े से ज्यादा बड़े होते हैं, राइट? एंटीना फोर सेगमेंटेड है, यानी कि एंटीना चार सेगमेंट का है, ओसिलाई इसमें प्रेजेंट होती है। पीछे पेंटाटॉमिडी फैमिली हमने देखी थी और उसके बाद भी हमने फैमिली जो पढ़ी है उसमें आपके ओसिलाई, सिंपल ओसिलाई प्रेजेंट नहीं है, एबसेंट है, लेकिन कॉरिडी फैमिली में क्या है? प्रेजेंट है, ये अलग फीचर हो गया है ना? हेड नैरो है, शॉर्टर है प्रोनोटम से। इन हेमीलाइट्रा रिचली ब्रांच वेन्स है इन मोस्ट ऑफ द स्पीशीज, आइदर बोथ और हिंड फेमोरा टिबे में भी
लीफ लाइक डायलेशंस। तो इसमें हमने कुछ याद नहीं रखना, जो चीज याद रखने की है तो इंसेक्ट बच्चा इंटरेस्ट खत्म होने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि एंटो आने वाले आपके सेक्शन में। 8-9 क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में एंटो से आए थे, है ना। अब ये तो हमें नहीं पता ना कि वो कौन से सेगमेंट्स से हैं आने वाले हैं, पहली बात तो ये है। तो हमें सारा सिलेबस करना पड़ेगा। एंड डोंट वरी, इतना भी बोरिंग नहीं है, जस्ट क्लासिफिकेशन बोरिंग है। उसके बाद जैसे ही हम मॉर्फोलॉजी पर आएंगे तो ये इंटरेस्टिंग लगने लगेगी, स्पेशली इफ यू आर फ्रॉम बायो बैकग्राउंड। बायो बैकग्राउंड के हैं तो मॉर्फोलॉजी में आपको बहुत इंटरेस्ट आने वाला है। क्लासिफिकेशन में क्योंकि हमें सिर्फ फीचर्स पढ़ने पड़ते हैं तो ये थोड़ा सा बोरिंग पार्ट हो जाता है, आई डू अंडरस्टैंड। लेकिन मैंने आपको अभी भी क्लास में कई बार रिमाइंड करवाया है कि आपको ये सारे फीचर्स नहीं पढ़ने हैं। आपको क्या पढ़ना है, आपको सिर्फ जो है फैमिली का नाम या फिर ऑर्डर का नाम और उसका एग्जाम्पल पढ़ना है। ये जो पूरी कहानी को याद करने के तरीके होते हैं कि हम एक बार एक फीचर्स को एक बार देख लें कि इसमें क्या फीचर्स प्रेजेंट होते हैं, ताकि कल को हमारे दिमाग में ये ना रहे कि किस बेसिस पर डिवीजन किया था, किसने डिवीजन किया था, इसका मतलब क्या होता है। तो इस तरीके के क्वेश्चन हमारे दिमाग में अगर उठे तो वो दब जाएं, क्योंकि हम ऑलरेडी उसके पीछे की थ्योरी पढ़ चुके हैं। ठीक है, सो दिस इज द थ्योरी दैट यू नीड टू लिसन इन टू द क्लास। ये सिर्फ आपको क्लास में पढ़नी है, जाके इसमें से कुछ भी रिवाइज नहीं करना है। डोंट वरी विशु, आई एम टेलिंग यू ना कि जैसे ही आपका मॉर्फोलॉजी पार्ट स्टार्ट होगा आपको अच्छी लगने लगेगी। हाँ, क्लासिफिकेशन सबको बोरिंग लगती है, चाहे वो प्लांट्स की है, चाहे वो एनिमल्स की है, चाहे वो इंसेक्ट की है, क्लासिफिकेशन बोरिंग होती है। ठीक है, चलो। सो इसकी जो टार्साई है वो 3 सेगमेंटेड है, पल्विलाई प्रेजेंट होता है इसमें, मेटाथोरेसिक ग्लैंड्स ओपनिंग आर प्रेजेंट। तो इसमें मेटाथोरेसिक ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं। मैंने बताया था थोरेसिक पार्ट में 3 रीजन होते हैं, वन इज योर प्रोथोरेक्स, देन योर मीजोथोरेक्स, देन योर मेटाथोरेक्स। तो अगर कोई ग्लैंड मेटाथोरेक्स में खुलते हैं उनको क्या कहते हैं, मेटाथोरेसिक ग्लैंड कहते हैं। हमें सिर्फ एग्जाम्पल याद करने हैं, एग्जाम्पल है राइस गंधी बग। क्या है, राइस गंधी बग। तो ये क्रॉप रिलेटेड इंपॉर्टेंट पेस्ट है, इसलिए सिर्फ ये ही एग्जाम्पल में याद करने हैं। राइस गंधी बग है, पॉड बग्स हैं। सो दीज आर द बग्स विच आर रिलेटेड टू दिस फैमिली। इस फैमिली में लीफ फुटेड टाइप ऑफ इंसेक्ट देखने को मिलते हैं, जिसके फुट जो है लीफ जैसे होते हैं, दैट्स इट, है ना। तो बहुत ज्यादा फीचर्स नहीं करने हैं, इतना भी बोरिंग नहीं है यार, मतलब थोड़ा तो पढ़ लो, कोई बात नहीं। अभी हमारे पास टाइम भी है कि हम इनको पढ़ सकते हैं, बाद में हमारे पास टाइम नहीं होगा इन सब चीजों को पढ़ने का। चलो, सो दैट्स ऑल फॉर दिस सेशन। एक क्लास में मैंने कहा था ना, एक ही ऑर्डर करेंगे, ज्यादा नहीं पकाऊंगी भाई, तो एक ही ऑर्डर करेंगे, हेमिप्टरा ऑर्डर। हेमिप्टरा यानी कि हाफ विंग्स, हाफ विंग्स इसके सॉलिड है, हाफ इसके मेम्ब्रेनस है। ठीक है, इसमें आपके सारे बग्स आते हैं, और बग्स में हमने 2-3 फैमिलीज पढ़ी हैं, उनके मेजर फीचर्स एक बार देख लेना। थाइसेनोप्टेरा ऑर्डर में आपके थ्रिप्स आते हैं, उनके जो मैंडिबल्स होते हैं राइट साइड के वो रिड्यूस्ड होते हैं, जिसके कारण क्या होता है कि उसको एसिमेट्रिकल माउथ पार्ट्स में काउंट किया जाता है। राइट, सो दैट्स ऑल फॉर दिस। चलो, थैंक यू सो मच वेशु। ठीक है, सो आज की क्लास में इतना ही पढ़ेंगे, अगली क्लास में फिर मिलेंगे अपनी ही क्लासिफिकेशन के साथ। टाइम है तो भाई देखो, एक बार सिलेबस तो पूरा करना बनता है, फिर उसके बाद तुम्हारी मर्जी है ना, जो तुम्हें पोर्शन अच्छा लगे उसको अच्छे से पढ़ के चले जाना, लेकिन एक बार क्लास में सुनने में कुछ नहीं जा रहा है ना। तो ये आपके दोनों बैचेस हैं, एंड योर FCI AG3 टेक्निकल एंड FCI मैनेजर कैटेगरी 2। अभी तक एनरोल नहीं किया है तो आप एनरोल कर सकते हैं और अड्डा 24/7 के साथ जुड़ सकते हैं। आपके सारे टीचर्स, मैं, हीना मैम, संदीप सर, आकाश सर विद अदर टीचर्स ऑफ योर इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग, GS, सभी लोग इसमें पूरी तैयारी करवाएंगे, आपके फेज 1 फेज 2 की एक बेहतरीन सी तैयारी। राइट, सो दिस इज द एनरोलिंग फीस फॉर दिस बैचेस, 4,140 रुपीज। अगर आप
सही कोड का इस्तेमाल करते हैं। देखो वहां पर वेबसाइट पे भी तुम्हें बहुत सारे कोड्स वोड्स दिखाई देते होंगे, बट द थिंग इज जो मैक्सिमम डिस्काउंट आपको देगा वो आपके टीचर्स का कोड देता है जनरली, ठीक है। सो यूज दीज कोड्स एंड द कोड इज Y448, 4+4 8 होते हैं। तो ये आपका उन बच्चों के लिए जो दोनों पोस्ट फिल कर रहे हैं, जो FCI मैनेजर की पोस्ट भी फिल कर रहे हैं, FCI AG3 की पोस्ट भी फिल कर रहे हैं। तो आपको दोनों बैचेस में अलग अलग एनरोल नहीं करना है। यू कैन एनरोल इन द कम्बाइंड बैच एंड द फीस इज रिटन हियर 4599 विद द कोड Y448। अगर आप एग्रीकल्चर के स्टूडेंट हैं, एग्रीकल्चर से रिलेटेड सारे एग्जाम्स देते रहते हैं, सो गाइज यू कैन एनरोल इन एग्रीकल्चर महापैक। इसमें आपको FCI टेक्निकल का भी बैच मिलेगा, FCI मैनेजर का बैच भी मिलेगा, साथ ही साथ आपके जो डिफरेंट और एग्जाम्स आगे आने वाले हैं, AFO आने वाला है, राइट, और आगे अदर एग्जाम्स भी आने वाले हैं एग्रीकल्चर से रिलेटेड, तो उन सभी के क्लासेस आपको पूरे साल मिलती है। सो यू कैन एनरोल इन एग्रीकल्चर महापैक ऑल्सो। सो दैट्स ऑल फॉर दिस क्लास गाइज, एंड इफ यू डिड लाइक द क्लास सो पुट अ लाइक बटन एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। और इन बैचेस में कैसे एनरोल करना है वो मैं एक बार आपको फटाफट से बता देती हूँ। तो आपने गूगल खोलना है, टाइप करना है Adda247, और ये देखिए ये आपकी जो है फर्स्ट साइट इस तरीके से, फर्स्ट पेज इस तरीके से खुलेगा। यहाँ सबसे ऊपर ऑल कोर्सेज में जाइए, नीचे थोड़ा सा स्क्रोल कीजिए, आपको सीधा FCI दिखेगा। इस पर क्लिक करेंगे आपकी दोनों दिखेंगे, FCI मैनेजर भी दिखेगा, FCI AG3 भी दिखेगा, है ना। तो जैसे ही हम जो भी बैच में हमने एनरोल करना है उसको सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर आपके वो बैचेस दिखाई देंगे। तो एग्रीकल्चर महापैक में बैचेस इंक्लूड हैं तो ये भी दिखाई देगा, FCI Category 1 Category 2 कॉम्बिनेशन भी दिखाई देगा, FCI AG3 टेक्निकल है, फिर FCI जो है आपका AG3 अकाउंट्स है, डिपोर्ट है, इस तरीके से आपके डिफरेंट है। तो जिसमें आप फॉर्म फिल कर रहे हैं उसी में एनरोल कीजिए, ठीक है। जिसमें भी आप एनरोल कर रहे हैं उसको ऐसे आप क्लिक कर सकते हैं, ये नीचे डिस्क्रिप्शन होती है, ये पढ़ सकते हैं। ये देखिए स्टडी प्लान्स आपके यहाँ पर गिवन है, कौन किस टाइम क्लास लेता है, इस हियर पे जैसे ही जाएंगे आपको स्टडी प्लान्स दिख जाएंगे, किस किस डेट में किस टीचर की क्लास हो रही है ना। तो जैसे ही हम यहाँ पर नीचे जाएंगे इसमें बाय नाउ पर, ये स्क्रीन थोड़ा कम से काम करती है भाई, तो जैसे ही आप यहाँ पर बाय नाउ पर जाएंगे ये आपको नई विंडो मिलती है, और इस नए विंडो में यहाँ पर आपने टाइप करना है Y448। जैसे ही Y448 टाइप करके अप्लाई करेंगे यहाँ पर फीस क्या हो जाती है 77% कम हो जाती है, एंड यू हैव टू पे जस्ट 4140 रुपीज फॉर Phase 1 Phase 2 कंप्लीट प्रिपरेशन, राइट। जैसे यहाँ पर कंटिन्यू करेंगे अपना नाम, ईमेल एड्रेस, फोन नंबर भरिए, एंड यू कैन एनरोल इन द बैचेस और घर बैठे क्लास अटेंड कीजिए। थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, सुरक्षित रहिएगा, और जो भी FCI AG2 के बच्चे हैं, मैनेजर के बच्चे हैं, तो हम मिलेंगे परसों अपनी बायोटेक्नोलॉजी की क्लास में एट द सेम टाइम 2:30 PM। ओके, गुड बाय एंड टेक केयर।